चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय अमर परवानी जी, सम्मानीय ओपी सिंघानिया जी, सम्मानीय गौतम शाह जी, साथ ही हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानीय पी दयानंद जी, सम्मानीय वासव राजू जी, सम्मानीय राहुल भगत जी, साथ ही हमारे विभाग के सभी सम्मानीय वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सीआईडीसी से सम्मानीय विशेष कुमार जी, सम्मानीय डायरेक्टर से प्रभात मलिक जी और सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे उद्योगपतिगण, बाहर से भी हमारे उद्योगपतिगण यहाँ उपस्थित हैं, सभी उद्योगपतिगण, अलग अलग उद्योग के बड़े अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी अधिकारीगण। चूंकि मैं सुबह हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानी राजू सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही सुबह पूरा बातचीत आप लोगों से हो चुका है, मैं बोल चुका हूँ, मैं आज इतना ही बताना चाहूँगा कि जब उद्योग नीति हमारा बन रहा था तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जब भी जाते थे वो बड़ा चिंता करते थे कि उद्योग नीति कैसे बनना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन पर एक अच्छा उद्योग नीति तैयार हुआ। आप लोगों ने ही बताया कि एक अच्छा उद्योग नीति पहले बार छत्तीसगढ़ में बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब प्रेरणा लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और विचार को लेकर हम लोग इस उद्योग नीति को तैयार किए हैं। आज के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं जितना भी प्रशंसा करूं वो कम है। हम लोग 6 बार 7 बार 8 बार से ऊपर उनके कार्यालय में गए और 3-3 चरकट घंटा इस उद्योग नीति के विषय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा कि इस तरह से बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो काफी चिंतित थे और उनके कारण से ही एक अच्छा उद्योग नीति हमारे विभाग के अधिकारीगण, हमारे मुख्य सचिव से लेकर सब लोग मिलकर एक अच्छा उद्योग नीति हम लोग बनाने में सफलता प्राप्त की है। और मैं आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर, आज समापन नहीं बोलूंगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी कई बार कार्यक्रम होगा और आप लोग के साथ में चार विचार करके हम लोग कैसे अच्छे काम कर सकते हैं, कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा उद्योग स्थापित हो सकते हैं, कैसे हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, इस सबके लिए आप सबके साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और चूंकि हम सब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे, मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, उनको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली प्रवास पर भी जाना है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सुबह मैंने पूरे बातचीत आप लोग से कर ली है, दिन भर परिचर्चा में भी हम सब लोगों ने भाग लिया है। और निश्चित तौर पर आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कि उन्होंने इस कार्यक्रम में समय दिया। लॉन्च के समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब उद्योग नीति के लॉन्च कर रहे थे उस समय भी काफी समय दिए और इसको बनाने के लिए भी उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा काफी समय। उन्होंने इतना तब व्यस्तम मुख्यमंत्री को रहते उसके बावजूद भी 4-4, 5-5 घंटा हम लोग को समय देना काफी तारीफ की बात है, उनका आशीर्वाद मिला, इसी कारण से हम लोगों ने एक अच्छा उद्योग नीति बनाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय और छत्तीसगढ़।